आबकारी विभाग व रोहतक पुलिस ने एक नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। बताया जा रहा है कि रोहतक जिले के महम क्षेत्र में ये अवैध व नकली शराब बनाने की फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जहां से छापेमारी के दौरान करीब 40 लाख रुपए की शराब और 13,000 लीटर स्प्रिट बरामद किया गया। साथ ही मौके से नकली शराब बनाने की मशीनें व अन्य सामान भी बरामद किया गया। वहीं मौके से 4 नाबालिग सहित 6 युवकों को भी काबू किया गया है। फिलहाल आबकारी विभाग व पुलिस टीम आगामी कार्रवाई में जुट गई है। शराब बनाते हैं, इसमें 4 चीज मिक्स होते हैं। नंबर 1 रेक्टिफाइड सब्स्टेंस, जिसको ईएनए भी कहते हैं। उसके बाद उसमें पानी मिक्स होता है, दोनों मिक्स करके उसमें फ्लेवर डाला जाता है। फ्लेवर के बाद उसकी बोटलिंग शुरू की जाती है, जिसमें बोटलिंग की 1 चैन पाई है यहाँ पे, जिसमें लगभग 400-500 पेटी पर डे के हिसाब से ये बना सकते हैं। एक फ्लेवर होता है जो शराब का कलर और से टेस्ट बनाता है, वो भी साथ में पाया गया। भारी मात्रा में खाली बोतल, ढक्कन, दो ब्रांड के लेबल, दो ब्रांड कौन से कौन से? इसमें है एक क्रेजी रोमियो, क्रेजी रोमियो, क्रेजी रोमियो, जी 87 रेस, रेस सेवन। अच्छा, ये कहाँ से होते हैं ये ब्रांड अपने? क्रेजी रोमियो हमारा हरियाणा में अप्रूव्ड है, FFD सोनीपत में डिस्ट्री है, उसका लेबल हरियाणा में अप्रूव है। क्रेजी रोमियो जो है ये पंजाब की है। तो ये हरियाणा और पंजाब में सप्लाई होती थी? नहीं, जो लेबल जिन डिस्ट्री अलाउ है वो बना सकते हैं। मात्रा में मिले हो? देखो इसकी काउंटिंग अभी अप्रोक्सीमेट तकरीबन ले पाएंगे। जानकारी के मुताबिक जींद की CIA टीम को यहां एक बदमाश के छिपे होने की सूचना मिली थी। जब जींद CIA की टीम सूचना पर यहां रेड करने आई, जहां अपराधी तो नहीं मिला मगर ये अवैध नकली शराब की फैक्ट्री मिली। उसके बाद पुलिस व आबकारी विभाग को सूचना दी गई और यहां आरओ पानी की फैक्ट्री की आड़ में ये अवैध नकली शराब बनाई जा रही थी। बहरहाल पुलिस मामले की गहनता से तफ्तीश कर रही है कि शराब बनाने के लिए स्प्रिट कहां से आती है और नकली शराब कहां कहां बेची जाती है। इस बारे में गहनता से जांच कर रही है और अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करने के लिए निरंतर छापेमारी की जा रही है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।